तो दोस्तों, ड्वेन जॉनसन की ब्लैक एडम मूवी को रिलीज हुए काफी टाइम हो चुका है। ब्लैक एडम सुपर हीरो फिल्म के जोनरा में एक मील का पत्थर साबित हुई है। इस फिल्म में हमें एक ऐसा किरदार देखने को मिला जिसकी ताकत ने हम सभी को हिलाकर रख दिया। पूरे डीसीयू में सुपरमैन के बाद कोई ऐसा सुपर हीरो आया है जिसकी ताकत का कोई मुकाबला नहीं। डीसीयू की इस 11th फिल्म में हमें ब्लैक एडम के साथ कुछ और सुपर हीरोज भी देखने को मिले। यह मूवी पूरी तरह से साइंस फिक्शन और मैजिक का डबल डोज है। आज हम ब्लैक एडम मूवी को शॉर्ट में समझेंगे, तो ज्यादा समय न लेते हुए शुरू करते हैं। फिल्म की कहानी की शुरुआत होती है 5000 साल पहले के समय पे, जहाँ पर खानदक नाम का एक शहर था। खानदक शहर जो महान जादूगरों का एक केंद्र हुआ करता था, मगर अब यहाँ एक क्रूर राजा एक्थॉन ने कब्जा कर लिया था। किंग एक्थॉन बहुत ही खतरनाक था। उसने खानदक पर कब्जा करते ही वहाँ के लोगों पर जुल्म करना शुरू कर दिया। लेकिन एक्थॉन सिर्फ खानदक तक ही सीमित नहीं रहना चाहता था, वो पूरी दुनिया पर अपनी सत्ता काबिज करना चाहता था, जिसके लिए उसे नर्क की शक्तियों से जन्मे सबाक के ताज की जरूरत थी। उस ताज को बनाने के लिए एक्थॉन को एक खास चीज इटर्नियम की जरूरत थी। वह खास चीज जिसे इटर्नियम कहते हैं, वह खानदक में मौजूद थी। इसीलिए एक्थॉन खानदक के लोगों से दिन रात तय करवाता था। जब उसके पास बहुत सारा इटर्नियम जमा हो जाता है, तब राजा एक्थॉन सबाक का ताज बनाना शुरू कर देता है। मगर इसी बीच एक्थॉन के जुल्मों से दुखी होकर खानदक में विद्रोह शुरू हो जाता है। वहाँ के लोगों के बीच में से एक बच्चा जिसका नाम हुरुत था, वह राजा एक्थॉन के खिलाफ खड़ा हो जाता है और खानदक की प्रजा को भी एक्थॉन के खिलाफ कर देता है। जब राजा को इस बात का पता चलता है, तो वह हुरुत को गिरफ्तार करवा लेता है और उसे मौत की सजा सुना देता है, क्योंकि वह जानता था कि आजादी की यह चिंगारी कभी न कभी आग में बदल सकती थी। एक्थॉन के सैनिक हुरुत को खानदक की जनता के सामने मारने ही वाले होते हैं, तभी हुरुत वहाँ से गायब हो जाता है और हुरुत एक गुफा में पहुँच जाता है। यह गुफा जादूगरों के संगठन की गुफा थी। ये 7 जादूगर मिलकर पृथ्वी को बाहरी और अंदरूनी खतरों से बचाते थे। ये सभी हुरुत की अच्छाई और हिम्मत भरे काम से खुश होकर उसे अपना सूरमा यानी कि चैंपियन बनाने का फैसला करते हैं। फिर वे जादूगर अपनी शक्तियों से हुरुत को एक पावरफुल चैंपियन बना देते हैं, ताकि एक्थॉन के खिलाफ लड़कर खानदक को आजाद करा सके। फिर हुरुत एक्थॉन की सेना से लड़ना शुरू कर देता है। हुरुत चाहता था कि एक्थॉन खानदक छोड़कर चला जाए। हुरुत कई बार उसकी सेना को हरा देता है, लेकिन एक्थॉन खानदक छोड़कर नहीं जाना चाहता था, बल्कि वह हुरुत से बदला लेने की ठान लेता है, जिसके लिए एक्थॉन हुरुत के परिवार पर हमला करवा देता है, जिसमें हुरुत की मां मर जाती है और उसका पिता टेथ एडम बहुत घायल हो जाता है। फिर जब हुरुत वहां आता है, तो वह यह सब देखकर बहुत निराश होता है और अपने पिता को बचाने के लिए वह अपनी शक्ति अपने पिता को दे देता है, जिससे टेथ एडम में उस चैंपियन की शक्ति आ जाती है और हुरुत वापस से एक बच्चे में बदल जाता है। इसी बीच किंग एक्थॉन के सिपाही भी वहां आ जाते हैं और वे उन पर हमला कर देते हैं, जिसमें हुरुत मारा जाता है। हुरुत के मारे जाने से टेथ एडम क्रोध और बदले की आग में पूरा बदल जाता है और उसका नाम पड़ता है ब्लैक एडम। फिर टेथ एडम किंग एक्थॉन से बदला लेने के लिए उसके महल में जाता है, लेकिन तब तक एक्थॉन का वह ताज बनकर तैयार हो चुका था। लेकिन एक्थॉन के वो ताज पहनने से पहले ही टेथ एडम वहां पहुंच जाता है। टेथ एडम गुस्से और बदला लेने की आग में जल रहा था, जिस कारण उसकी शक्तियां इतनी बढ़ जाती है और बेकाबू हो जाती है, जिससे उस राजा का पूरा महल तबाह हो जाता है और एडम की वजह से खानदक के कुछ लोग भी वहां मारे जाते हैं। फिर जब जादूगरों के संगठन को टेथ एडम की इस हरकत का पता चलता है, तो वे सभी टेथ एडम से उसकी ताकत वापस लेने का फैसला करते हैं, क्योंकि जादूगरों को लगता था कि वह उनकी शक्तियों के लायक नहीं है। जादूगर टेथ एडम से उसकी शक्तियां वापस लेने की कोशिश करते हैं, मगर टेथ एडम उन 7 जादूगरों में से 6 को मार देता है। लेकिन 7वां जादूगर, जिसका नाम शजाम था, वह अपनी पूरी ताकत लगाकर टेथ एडम को कैद कर देता है और इसके साथ ही शजाम सबा के ताज को भी उसी गुफा में छुपा देता है, ताकि वह ताज फिर कभी किसी इंसान के हाथ ना लगे और उसका गलत इस्तेमाल ना हो। किंग एक्थॉन अब मर चुका था। टेथ एडम और सबा का ताज भी उस गुफा में दफन थे, मगर राजा एक्थॉन के बाद भी कोई न कोई खानदक पर आकर कब्जा कर लेता था और इटर्नियम के साथ साथ खानदक के प्राकृतिक संसाधनों को लूटता था। खानदक के लोगों को यह भरोसा था कि एक दिन उनका सूरमा लौटेगा और उन्हें आजादी दिलाएगा। इस तरह समय बदलता है और 5000 साल गुजर जाते हैं और अब इस नए समय में इंटरगैंग नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन ने खानदक पर कब्जा कर लिया था। इस संगठन से तो वैसे पूरा शहर परेशान था, मगर एड्रियाना टोमेस नाम की एक औरत थी जिसके पति को इंटरगैंग वालों ने मार दिया था, इसलिए वह इंटरगैंग को हराकर खानदक को आजाद कराना चाहती थी। ऐसे ही एक बार एड्रियाना को इंटरगैंग की जासूसी करते पता चलता है कि इंटरगैंग वाले उस सबा के ताज की तलाश में थे। इससे एड्रियाना यह समझ चुकी थी कि इंटरगैंग वाले उस ताज का गलत इस्तेमाल करने वाले हैं, इसलिए वह भी उस ताज की तलाश में लग जाती है, जिसके लिए वह एक वैन में छिपकर खानदक के उस इलाके में जाना चाहती थी जहां इंटरगैंग वाले इंटरटेनमेंट की तलाश में खुदाई कर रहे थे। इस वैन में उसका भाई करीम, इस्माइल और समीर नाम के 2 लोग और भी थे। फिर ये चारों लोग उस गुफा तक पहुंच जाते हैं जहां पर सबा का ताज और टेथ एडम दोनों दफन थे। एड्रियाना, इस्माइल और समीर उस गुफा के अंदर चले जाते हैं। वहां पर पहले एड्रियाना को वो जगह
जगह मिलती है जहाँ पर टेथेडम कैद था, और एड्रियाना जैसे ही उस ताज को हासिल करती है तभी वहाँ पर इंटरगैंग के लोग आ जाते हैं। वे उनसे सबाक का ताज छीन लेते हैं और उन्हें मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन एड्रियाना अपनी और अपने भाई की जान को बचाने के लिए टेथेडम को जगाने का मंत्र पढ़ देती है, जिससे टेथेडम अपनी कैद से जाग जाता है। फिर वहाँ टेथेडम इंटरगैंग के सभी लोगों को बड़ी बेरहमी से मार देता है, और इतने में ही वहाँ इंटरगैंग की पूरी फौज आ जाती है, मगर टेथेडम बड़ी आसानी से उन्हें भी तबाह कर देता है। जब यह फाइट चल रही थी तब एड्रियाना सबाक के ताज को लेकर वहाँ से भाग जाती है, और इस फाइट सीन के बाद हमें पता चलता है कि इस्माइल इंटरगैंग का लीडर था, जो खुद सबाक के ताज को हासिल करना चाहता था। उसी ने ही ताज तक पहुँचने के लिए एड्रियाना का इस्तेमाल किया था, क्योंकि एड्रियाना प्राचीन नक्शा और प्राचीन भाषा को समझने में माहिर थी। लेकिन अब टेथेडम की वजह से वह ताज इस्माइल के हाथों से निकल गया था। आखिर में एक सोल्जर टेथेडम को इटर्नियम रॉकेट से हमला करता है, जिससे टेथेडम घायल हो जाता है, क्योंकि इटर्नियम ही एडम की एकमात्र कमजोरी थी। फिर जब टेथेडम घायल हो जाता है तब एड्रियाना और करीम टेथेडम को अपने घर ले जाते हैं। उन्हें लगता था कि अब वह खानदा को इंटरगैंग से आजादी दिलाएगा। टेथेडम को जब होश आता है तब एड्रियाना का बेटा एमोन उसे बताता है कि वह 5000 साल से सोया हुआ था और अब समय के साथ खानदा पूरा बदल चुका है, इंटरगैंग का कब्जा है। फिर यह सब सुनने के बाद एडम वहां से बाहर चला जाता है। एमोन भी उसके साथ बाहर निकल जाता है, और एमोन खानदा के लोगों से कहता है कि उनका चैंपियन लौट आया है, और फिर एमोन चालाकी से इंटरगैंग वालों को उकसाकर टेथेडम से लड़वा देता है। एडम बड़ी आसानी से इंटरगैंग के मेंबर को मार देता है, और दूसरी तरफ अमेंडा वॉलर जो यूएस गवर्नमेंट की एक लीडर थी, उसे पता चल गया था कि टेथेडम अपनी कैद से जाग चुका है और वह खानदक में काफी तबाही मचा रहा है, इसलिए वो टेथेडम को पकड़ने के लिए जस्टिस सोसाइटी को खानदक भेज देती है। जस्टिस सोसाइटी एक सुपर हीरो की टीम थी जिसमें हॉकमैन, एटम स्मैशर, साइक्लोन और डॉक्टर फेट शामिल थे। जस्टिस सोसाइटी खानदक पहुंचकर टेथेडम को समझाने की कोशिश करते हैं, मगर एडम उनकी बात नहीं मानता, जिस कारण वहां टेथेडम और जस्टिस सोसाइटी के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। लेकिन वो चारों मिलकर भी टेथेडम का कुछ नहीं बिगाड़ पाते, और इस लड़ाई के आखिर में एडम वहां से चला जाता है। इस भागदौड़ में डॉक्टर फेथ को पता चलता है कि सबाक का ताज एड्रियाना के पास है, जिसके लिए हॉकमैन और डॉक्टर फेथ एड्रियाना को रोक लेते हैं। तब एड्रियाना हॉकमैन से कहती है कि अब खानदक को जस्टिस सोसाइटी की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनका चैंपियन लौट आया है। इस पर हॉकमैन उसे बताता है कि टेथेडम ने खानदक को बचाया नहीं था, बल्कि उसके गुस्से ने पूरे शहर को तबाह कर दिया था, और अब ऐसा दोबारा ना हो इसलिए टेथेडम को रोकना बहुत जरूरी है। इसलिए एड्रियाना जस्टिस सोसाइटी के साथ टेथेडम से बात करने चली जाती है, और दूसरी तरफ इस्माइल एड्रियाना के घर जाकर एमोन से वो ताज मांगता है, मगर एमोन इस्माइल को चकमा देकर वहां से भाग जाता है और ताज को छुपा देता है। लेकिन इस्माइल करीम को गोली मार देता है और एमोन का पीछा करने लगता है। एमोन एड्रियाना को फोन करके बताता है कि इस्माइल इंटरगैंग का लीडर है और वह अपनी फौज के साथ सबाक के ताज को लेने आया है, इसलिए एड्रियाना टेथेडम से मदद मांगती है और एमोन को बचाने के लिए कहती है। फिर एडम वहां जाता है और इंटरगैंग के लोगों को मारना शुरू कर देता है। इस्माइल को वो ताज नहीं मिला था, इसलिए वह एमोन को किडनैप करके वहां से भाग जाता है। हॉकमैन इंटरगैंग के दो लोगों को पकड़ लेता है, जिससे उन्हें पता चलता है कि वे एमोन को कहां लेकर गए हैं। फिर जस्टिस सोसाइटी और टेथेडम दोनों मिलकर एमोन को ढूंढने का फैसला करते हैं। जस्टिस सोसाइटी उस जगह का पता लगाते हैं और वे सब वहां पहुंच जाते हैं। टेथेडम इंटरगैंग के अड्डे पर जाकर भारी तबाही मचा देता है। वहां पर इस्माइल एमोन के बदले उस ताज को मांगता है, इसलिए एड्रियाना इस्माइल को वो ताज दे देती है। ताज हासिल करने के बाद इस्माइल सबको बताता है कि वह राजा एक्थोन का आखिरी वंशज है और वह अपने पूर्वजों का मकसद पूरा कर रहा है। लेकिन इस्माइल उस ताज को हासिल करने के बाद भी एमोन पर गोली चला देता है। एडम अपनी सुपर स्पीड का इस्तेमाल करके एमोन को बचा तो लेता है, लेकिन एडम को जैसे ही इस्माइल की असलियत का पता चलता है तब एडम की पावर बेकाबू हो जाती है और वहां एक जबरदस्त धमाका होता है जिसमें इस्माइल और इंटरगैंग के लोग मारे जाते हैं। जस्टिस सोसाइटी वाले एड्रियाना और एमोन को बचा तो लेते हैं, मगर फिर भी एमोन थोड़ा सा घायल हो जाता है, जिसकी वजह से टेथेडम को बहुत पछतावा होता है और वह वहां से चला जाता है। उसके बाद हॉकमैन एडम से बात करने उसी प्राचीन महल में आता है, तो एडम उसे बताता है कि जादूगरों ने उसे नहीं चुना था, वो खानदा का असली सूरमा नहीं था, बल्कि जादूगर ने उसके बेटे हुरूप को चुना था और वो उसकी ताकत के लायक नहीं है। इसीलिए टेथेडम अपनी ताकत छोड़ देता है और जस्टिस सोसाइटी के सामने सरेंडर कर देता है। उसके बाद जस्टिस सोसाइटी वाले एडम को एक ऐसी जेल में लेकर जाते हैं जो समुद्र की गहराई में बनी थी। उस जेल को सुपर ह्यूमन और बुरे लोगों को कैद करने के लिए बनाया गया था। टेथेडम को वहां बेहोश करके एक मशीन में बंद करके कैद कर दिया जाता है। डॉक्टर फेट जो अपनी शक्तियों के कारण भविष्य देख सकते थे, उन्हें अभी भी खानदक की तबाही और हॉकमैन के मरने का भविष्य दिख रहा था। इससे डॉक्टर फेट को समझ आ जाता है कि खानदक के लिए टेथेडम खतरा नहीं है, बल्कि कोई और है। फिर सीन शिफ्ट होता है एड्रियाना की तरफ, जहां पर एड्रियाना उस ताज की लिखावट को समझने की कोशिश कर रही थी। तब उसे समझ आता है कि इस्माइल ने जानबूझकर एडम से मरने की कोशिश की थी, क्योंकि ताज की असली ताकत को पाने के लिए उसे टेथेडम के मैजिक पावर की जरूरत थी। जब इस्माइल ने वो ताज पहना और टेथेडम ने उसे मारा, तब इस्माइल नरक में पहुंच गया और इस्माइल यही चाहता था, और वहां नरक के शैतान इस्माइल को अपनी काली शक्ति से सबाक नाम का शैतान बना देते हैं। अब इस्माइल सबाक बनकर वापस पृथ्वी पर आ जाता है। सबाक का असली मकसद पूरी पृथ्वी को नरक बनाना था। जस्टिस सोसाइटी को जब यह पता चलता है कि इस्माइल सबाक बनकर लौट चुका है, तो वह उसे पकड़ने के लिए जाते हैं, लेकिन जस्टिस सोसाइटी के लोग उसका मुकाबला नहीं कर पाते और सबाक उन्हें बुरी तरह
में हरा देता है। डॉक्टर फेथ जानते थे कि सबाक से युद्ध में हॉकमैन मारा जाएगा, इसलिए डॉक्टर फेथ अपने दोस्त को बचाने के लिए और उसका भविष्य बदलने के लिए सबाक से अकेले लड़ने का फैसला करते हैं। वो उस महल के चारों तरफ एक दीवार बनाकर हॉकमैन, एटम स्मैशर और साइक्लोन को बाहरी रोक देते हैं और सबाक से लड़ने चले जाते हैं। डॉक्टर फेथ सबाक से लड़ते हुए समझ चुके थे कि सबाक को सिर्फ एक योद्धा ही हरा सकता है और वो था टेथ एडम। इसलिए डॉक्टर फेथ अपनी पावर से एडम से बात करते हैं और उसे सबाक के बारे में बताते हैं। डॉक्टर फेथ अपनी पावर से एडम को कैद से आजाद कर देते हैं और फिर एडम वहां के गार्ड से लड़कर बाहर निकल जाता है और फिर चैंपियन बन जाता है। दूसरी तरफ डॉक्टर फेथ सबाक से लगातार लड़कर उसे रोक के रखते हैं, मगर आखिर में डॉक्टर फेथ सबाक के हाथों मारे जाते हैं। सबाक जब महल के सिंहासन पर बैठता है तो उसकी ताकत और बढ़ जाती है, जिससे सबाक नर्क की फौज को पृथ्वी पर ले आता है ताकि वह खानदक पर कब्जा कर पाए। लेकिन तभी वहाँ एड्रियाना, एमोन और करीम खानदक के लोगों के साथ मिलकर उस मुर्दों की फौज का मुकाबला करते हैं और इतने में ही वहाँ टेथेडम भी पहुंच जाता है। फिर टेथेडम और सबाक के बीच एक जबरदस्त फाइट होती है। कभी सबाक टेथेडम पर भारी पड़ता है तो कभी टेथेडम सबाक पर भारी पड़ता है और इस लड़ाई के आखिर में टेथेडम हॉकमैन की हेल्प से सबाक को मार देता है। टेथेडम सबाक को मारते हुए कहता है कि काले सूट वाले ने भेजा है। सबाक के मरने से उसकी फौज भी गायब हो जाती है। फिर जस्टिस सोसाइटी के लोग टेथेडम को गिरफ्तार नहीं करते और उसे खानदक में ही छोड़कर चले जाते हैं। अब खानदक के लोग चाहते थे कि एडम खानदक का हीरो बने, मगर टेथेडम सिंहासन को तोड़ देता है और वह खानदक का एक रक्षक बनने का फैसला करता है। इसी के साथ टेथेडम अपना नाम बदलकर एक नया नाम ब्लैक एडम रख लेता है। इसके बाद मूवी के मिड क्रेडिट सीन में अमेंडा वॉलर ब्लैक एडम से कहती है कि अगर उसे उसकी जेल में नहीं रहना तो ठीक है, लेकिन अमेंडा ब्लैक एडम को खानदक से बाहर न जाने की आखिरी चेतावनी देती है कि अगर ब्लैक एडम खानदक से बाहर गया तो उसे रोकने के लिए वह दूसरे सुपर हीरो को भेजेगी, लेकिन ब्लैक एडम उसकी बात नहीं मानता। फिर अमेंडा वॉलर उससे बात करने के लिए सुपरमैन को वहाँ भेज देती है। हमें बात करनी होगी। तो दोस्तों, ये थी ब्लैक एडम की एक्सप्लेनेशन वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको ब्लैक एडम की ओरिजिन स्टोरी पसंद आई होगी। तो फिर मिलते हैं अपनी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।